काइंडली व्यूवर्स, हमें अपने टूर के सेकंड डे में ही जो है ना वो कागान से वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि नारान में रास्ता जो है ना वो नारान का रास्ता किसी वजह से क्लोज है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रश है, वो जो है ना वो गाड़ियाँ लोग जो है वो वापस जा रहे हैं, और काफ़ी जो लोग हैं जो अभी आ रहे हैं जिनको नहीं पता वो कागान की तरफ आ रहे हैं, और इस वजह से कागान में जो रूम के रेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि आपको पता है हम पाकिस्तानी आवाम है, और हम ऐसे मौके से जब कोई मजबूर हो तो उससे फ़ायदा उठाना तो छोड़ते नहीं हैं, तो वो फिर पाकिस्तानी आवाम अपनी इस बात को जो है ना वो सच्चा करते हैं, वो फ़ायदा उठाने पे लगी हुई है। जो रूम जिसका रेंट नॉर्मल डेज में या ईद के दिनों में भी आए आपको 4 से 5 हज़ार मिल रहा था, वो इस वक्त 15 से 20 हज़ार में मिल रहा है, और जो बाकी रूम्स हैं उनके रेट इससे भी अप है। ये मैंने आपको जो 10 से 15 हज़ार अभी रेट बताया ना कि 10 से 15 हज़ार में जो मिल रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल रूम्स हैं, ठीक है, लेकिन जो अच्छे रूम्स हैं उनका तो सोच ही बाहर है। तो इस वजह से फिर हमने ये डिसाइड किया, क्योंकि हम वापस जा सकते हैं, तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि आप चलते हैं वापस पीछे की तरफ। और जैसा कि कुछ हमारे जो 2-3 पार्टनर्स थे वो लोग कह रहे हैं कि वापस तो हरिपुर पहुंचना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो इसलिए हम फिर जैसे और भी लोग वापस जा रहे हैं ये देख रहे हैं कितने लोग वापस जा रहे हैं, तो इसलिए आप भी रास्ते में जो कोई अच्छा होटल मिलेगा तो वहाँ रूम बुक करेंगे, तो फिर नाइट स्टे वहाँ करके उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह कल वापस घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। फिर जो अभी तक कोई फाइनल डिसाइड नहीं है कि फाइनल जो है ना हमने क्या करना है, तो इसलिए अभी ये नारान में कागान में जो अपडेट थी वो मैंने उसका क्लिप बनाया आपने उसके लिए, और उसके बाद आगे जो जो होगा वो साथ साथ आपके साथ जो है ना वो शेयर करते रहेंगे।